देखिए दोस्तों, आपका एक सवाल है, हाई स्कूल एनसीईआरटी का सवाल है और इस तरह के सवाल अंकों वाला आता है, एक पेपर में आता है और उसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं, आराम से उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक कि वो सवाल समझ में ना कि कह क्या रहा है, उसके बाद आप हल करना सीखिए। जल्दीबाजी मत करिए, आराम से करके और आराम से हल करना सीखिए। देखिए इसमें दो शर्त दिया जाती है और मैं आपको ये हल करके आपको दिखाऊंगा कैसे। तो देखिए, हम मानते हैं कि माना अब दो संख्याएं हैं, दो अंक हैं, संख्या तो एक है लेकिन दो अंक है, तो दो अंक की कभी भी संख्या होगी तो एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो अंक की संख्या होगी तो एक इकाई होगा और दूसरा दहाई होगा, या एक दहाई होगा तो एक इकाई होगा, इस तरह से बनती हैं। तो पहले सबसे मानेंगे, ये चीज़ करेंगे तो हमारी जो संख्या होगी, हमारी जो संख्या बनी है ये संख्या हो जाएगी 10x + y, क्योंकि 10 गुना होता है, 12 है तो उसमें 10 जुड़ा है, तो किसी भी संख्या दहाई अंक में हमेशा 10 गुना रहता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। और बदलने पर यहाँ दिया है आपको कि अंक का उलट दिया जाए, इसको यदि उल्टा देकर बदल दिया जाए, यदि इसको हम बदल दें, इस अंक को हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस क्या हो जाएगा, x, यानी कहने को दहाई इकाई की जगह पे और इकाई दहाई की जगह पे हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो देखिए आपके सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़िए, दो अंकों की बनी संख्या के अंकों का योग। अब संख्या का अंक तो उसमें इकाई दहाई नहीं लगेगा, तो बस हम प्रथम शर्त अनुसार या प्रश्नानुसार लेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ये कि दोनों अंकों को जोड़ रहे हैं तो x + y दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, और एक हमारा क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहले शर्त अनुसार हो गया तथा अब दूसरे में क्या करा, देखिए पढ़िए, इतना तो हो गया, यदि संख्या के अंक को उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, इकाई की जगह पे दहाई, दहाई की जगह पे इकाई, तो जब यदि ऐसा कर देते हैं तो मूल संख्या जो हमारी थी उसे क्या हो जा रही है, 27 अधिक हो जा रही है। तो देखिए पहली हमारे पहले संख्या का रहा है हमारा 10 ठीक है, तो देखिए पहले हमारा संख्या है 10x + y और जब बदल दिए हैं तो यही क्या हो गया, 10y + x हो गया है। तो कह रहे कि जब हम बदल रहे हैं तो ये मूल संख्या से कितना अधिक हो जा रही है, देखिए क्वेश्चन में देखिए आप 27 अधिक, इससे मूल संख्या से 27 अधिक हो जा रही, तो या तो इसमें से 27 हम घटा देंगे और नहीं तो इसमें हम 27 जोड़ देंगे, दोनों कोई एक ही काम करेंगे, दोनों जने ये 27 अधिक हो रहा है तो या तो 27 घटा दें तो इसके बराबर होगा, या इसमें 27 जोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, बराबर होगा, दोनों दशाओं में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में, इसी बात को समझना है कि मूल संख्या हमारी हो गई ये 27 नहीं रहेगा तो हम मूल संख्या ये हो गई, आज हम इनको बदले तो हमारी संख्या ऐसे हो गई, ये संख्या 27 अधिक हो रही ये वाली, तो या तो 27 घटा दीजिए तो इसके बराबर होगा, या इसमें 27 हम जोड़ देंगे तो ये बराबर है। अब देखिए तो हल कर दीजिए, इतना समझ में आ गया ना, तो फिर देखिए अब क्या लिखेंगे, हम इनको इधर लाएंगे तो एक्स को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 10x अब माइनस हो जाएगा x प्लस वाई, इसको इधर लेंगे तो क्या जाएगा, -10y प्लस कितना है 27, या 27 को उधर भेज दीजिए तो बराबर 27, ये माइनस हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। क्लियर है बात, थोड़ा सा और इधर देख लीजिए आप, या दूसरे पेज पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है बस इसको देखते रहिए। तो हम का इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x आप माइनस, देखिए ये प्लस में था ये ज़्यादा ये है तो -9y बराबर -27। क्लियर है बात, अब इस बात को देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों में देखिए 27 ये 9 टेबल में सभी आएंगे तो हम लिख देंगे 9 हम कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर -3। अभी हो गया हमारा समीकरण 2। देखिए हमारा पहला समीकरण था, यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला समीकरण है ना, ये पहला हमारा समीकरण ये बना हुआ है और दूसरा हमारा समीकरण ये बन गया, तो दोनों को उसको भी ला दिए, दूसरा ये पहले को यहाँ ला दीजिए, तो क्या लिखेंगे, x + y बराबर कितना था, 9 था, एक हो गया। अब दोनों का क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर
जोड़ने, यानी दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में है, तो ये जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स एक्स का हो जाएगा टू एक्स बराबर इक्वल टू, अब देखिए इसमें से देखिए प्लस में ये माइनस में, तो कहाँ हो जाएगा सिक्स, यानी एक्स बराबर सिक्स बटा में टू, यानी कटाएंगे तो कहाँ हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हम एक्स किसी समीकरण में रख देंगे, तो देखिए एक्स का मान समीकरण एक, एक में रखे जाए, एक में एक्स का मान क्या है तीन रखने पर, यानी जो मान आएगा उसी को ना रखेंगे तीन रखने पर, तो बस रख दीजिए समीकरण एक था कि एक्स प्लस वाई बराबर नाइन है, एक्स क्या होगा थ्री प्लस वाई बराबर नाइन, तो बस ये हो गया। अब वाई बराबर नाइन, अब माइनस हो जाएगा थ्री, तो वाई बराबर यहाँ हो गया सिक्स, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा हमारी छत्तीस। आई बात समझ में, और इसको बदलेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये तिरसठ हो जाएगा, जो सत्ताईस है क्या हो जाएगा, ये सत्ताईस कम हो जाएगा, हम जांच भी कर लेंगे और ये आपका सवाल हो गया।